हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं हम लोगों के साथ नीविया फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ये मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है और स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए, आप देख सकते हैं। तो ये फेस वॉश कैसा है, कैसा नहीं है, आपकी स्किन टाइप को सूट करेगा कि नहीं, मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगी। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। आप देख सकते हैं इसकी जो बॉटल है बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी है, इसमें बिल्कुल भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। कि ये नहीं कि आप इसे बैग में रखेंगे कहीं से लीक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो आप देख सकते हैं जो कलर है व्हाइट एंड ब्लू, बिल्कुल नीविया के जितने सारे प्रोडक्ट आते हैं उन सारी चीज को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा है। क्वांटिटी की बात करते हैं 50 ml है, प्राइस 85 rupees है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 80 rupees के आसपास मिल जाएगा और ये सारे साइट्स पे अवेलेबल है। पर्पल है, नाइका हो, आपको सब जगह ये मिल जाएंगे बहुत ही आराम से। अब बात करते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों से मिल करके बना। तो इसमें मिल्क एंड हनी है और ये दोनों चीज़ें जो होती है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, हमारी स्किन को ग्लो ला करके देती है, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है, आपके फेस पे एक नेचुरल शाइन देती है। तो ये फेस वॉश नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिल करके बना, तो पहली बात तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, नॉर्मल है, ऑयली है तो मेरे ख्याल से इसे यूज़ कर सकते हैं। और ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है फेस। तो जी हाँ, बात होगी इनकी सारी खूबियों के बारे में। अब मैं आपको इसको अंदर दिखाती हूँ कि अंदर से दिखता कैसा है, दिखाती हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा जेंटल है। टेक्सचर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्रीमी है। जी हाँ, ड्राई स्किन वालों के लिए फेस वॉश बहुत अच्छा। जी हाँ, मैं आपको इसे बताना भूल गई कि आपको इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसका यूज़ करने का तरीका यही है, जब भी आप इसे यूज़ करने जाएँ या आप जब फेस वॉश को लगा तो हल्के से आपको बॉटल को शेक करना है। जी हाँ, इस तरीके से बॉटल को शेक करने के बाद फिर आपको इसे अपने इसे यूज़ करना है। आपको इसे मतलब हाथों पर निकालना है और जब आप इसे वॉश करें तो आप इसे नॉर्मल पानी की जगह हल्के गर्म गुनगुने पानी से आपको इसको वॉश करना है। जी हाँ, तो ये तरीका होगा इस फेस वॉश को लगाने के बाद, लगाना कैसे है। अब तो जैसे मैंने बताया कि ये फेस वॉश टेक्सचर कैसा आपको मैंने बताया, लेकिन इस फेस वॉश को यूज करने के बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे शेयर करूँ तो ये बहुत ज्यादा आपके फेस को क्लीन करता है। जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, जब आप फेस वॉश करते हैं तो आप देखेंगे आपके फेस पे ग्लो सा आता है इसे लगाने के बाद, फेस पे एक ब्राइटनेस सी आती है। तो मेरे ख्याल से फेस वॉश अच्छा है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग मानसून में, के लिए बहुत अच्छा फेस वॉश, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए जिन्हें, लेकिन जिसकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है उनके लिए फेस वॉश नहीं है या इतना हाइड्रेट ये बिल्कुल नहीं करता, मुझे जहां तक ये लगता है। तो ओवरऑल ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, स्किन को क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है। आप इसे अभी यूज करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप विंटर में यूज करते हैं तो इतना हाइड्रेट आपको मेरे ख्याल से नहीं करता। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और अफोर्डेबल होने के साथ साथ इजीली अवेलेबल है। तो ओवरऑल की बात करूँ तो फेस वॉश बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए महंगा है कि मैं इसको यूज करूँ या ना करूँ, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। जी हाँ, और आपको नीविया जैसा ब्रांड मिल रहा है इतने रुपीज में, 80-85 rupees में, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए है, तो आप बिल्कुल इस फेस वॉश को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू हेल्पफुल लगा हो, अगर आप इसे सोचने खरीदने की सोच रहे हो तो बिल्कुल आप इसे ट्राई करके देखिए और अपने मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।